रामनगरी में संतों ने भी देश भर के श्रद्धालुओं से कार्तिक मेले के दौरान अयोध्या नहीं आने की अपील की है। राम जन्मभूमि राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास का कहना है कि कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए 14 कोसी परिक्रमा पंचकोसी परिक्रमा पूर्णिमा स्नान में श्रद्धालुओं को अयोध्या नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस महामारी से बचाव ही उपाय है। एक संक्रमित व्यक्ति से कई लोग संक्रमित हो सकते हैं, ऐसे में परिक्रमा और मेले में सावधानी बरतना जरूरी है। आचार्य सतेंद्र दास का कहना है कि घर में पूजा पाठ और परिक्रमा से भी पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए एक स्थान पर खड़े होकर सूर्य के सामने 5 या 14 बार परिक्रमा करें। सूर्य की परिक्रमा करने से अयोध्या की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होगा। ये कार्तिक का बड़ा ही पवित्र महीना है, पवित्र पर्व है, पवित्र उत्सव है, लेकिन हम लोग तो हमेशा से प्रशासन का सहयोग करते आए हैं। जनता से सबसे यही अपील करेंगे, हमारा यही आदेश है, यही निर्देश है कि महामारी को देखते हुए सारा कार्य करें। ये कोरोना का जो दूसरा प्रकोप चल रहा है, ये बहुत खतरनाक है और ये सबके लिए बहुत ही महामारी के रूप में है। इसलिए इसके लिए अपने बचाव में ही बचाव है और यह इसका प्रभाव जो पड़ता है, यदि एक के होता है तो कईयों के साथ संक्रमित हो जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ पर भी जो मेला लगते हैं या परिक्रमा होती है, वह सभी जगह सावधानी बरतना पड़ता है। वहीं मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करें और महामारी से बचते हुए ही कोई कार्य करें। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए अयोध्या के प्रमुख 3 मेलों पर ग्रहण लगा है, चाहे वो भगवान राम के जन्मोत्सव हो, श्रवण मेला हो या अभी जो कार्तिक पूर्णिमा स्नान मेला हो।